I'm opposite Jimmy Shergill in this film, and ये रोल मुझे मिला क्योंकि हरीश जाफरी जी जो के एक बहुत बड़े फोटोग्राफर है तो उन्होंने मैं जब बॉम्बे आई थी मैंने अपना फोलियो उन्हीं से करवाया था और दिलविल प्यार व्यार के टाइम पर उन्होंने मुझे विवेक वासवानी जी से मिलाया था क्योंकि वहाँ पर भावना पानी के रोल के लिए मिलवाया था लेकिन विवेक थॉट दैट आई शुड स्टिल वेट और जब ये फिल्म आई तभी विवेक कॉन्टेक्टेड मी एंड दैट्स हाउ मुझे बुलाया गया हरीश दफ्तरी जी के स्टूडियो पर और ये मीटिंग वहीं पर हुई और वहीं पर सब कुछ फाइनलाइज हुआ इससे पहले भी आप मीडिया से जुड़ी हुई थी ये पहली बार इससे पहले ये फिल्म साइन करने से पहले मैं एक साल से इस इंडस्ट्री में हूँ मैंने एडवर्टाइजिंग किया हुआ है एक साल से दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म दिस इज़ माई फर्स्ट थिंग आई एम डूइंग इन अ फिल्म आई मीन आई हैवन डन एनी थिंग एल्स इन अ फिल्म बिफोर एंड मैंने काफ़ी एड्स की हुई है मैंने की हुई है बोरोसॉफ्ट सोप विच इज़ वेरी फेमस क्लिनिक शैम्पू सेबर पेन्स गोल्ड प्लाजा काइनेटिक जिंग इज़ द लेटेस्ट या सो आई हैव डन अ लॉट ऑफ मॉडलिंग Agnipankh is a film that is based on the Indian Air Force. It's an Air Force based film and how it's based on a true life story about what happens between India and Pakistan and what exactly is going on and that India was not even aware of. So it's a story based on all these things. I'm a very my role my character in the film is of this very strong headed girl who is the daughter of a very rich retired Air Force officer and yeah so it's about how she's very has a set of principles very strictly that she follows and about how she falls in love with Jimmy and all those things वाकई में मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि जब मुझे ये बताया गया कि कश्मीर में शूटिंग है तो इनफैक्ट आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज एज अ चाइल्ड एंड एज बींग माई सेल्फ आई हैव ऑलवेज लव्ड कश्मीर एंड तो आई हैव ऑलवेज लव्ड कश्मीर वेरी मच सो जब ये मौका आया और मुझे कहा गया कि शूटिंग श्रीनगर में है तो आई वॉज एट फर्स्ट इंस्टेंस आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि श्रीनगर में शूटिंग हो रही है एंड वंस अगेन आई बी एबल टू सी श्रीनगर सो दैट्स हाउ इट वॉज एंड आई नेवर फेल्ट स्केयर्ड अबाउट इट इससे पहले मुझे काफ़ी ऑफर्स थी और काफ़ी बड़ी बैनर्स की और अच्छी ऑफर्स थी लेकिन फॉर सम रीज़न और द अदर आई कुड नॉट गो अहेड विद दोज प्रोजेक्ट्स बट व्हेन दिस केम अलोंग आई डिड नॉट इवन थिंक ट्वाइस बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गुड फिल्म द स्क्रिप्ट इज़ वेरी स्ट्रांग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द डायरेक्टर हैज़ अ लॉट ऑफ कन्विक्शन ऑन हिज स्क्रिप्ट ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस स्क्रिप्ट एंड विच ऑफ कोर्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज It's finally him who's going to make the film look like what it should.